पाकपतन में खैमा बस्तियों को रुख करने वाले सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम खैमा बस्तियों में मुतासरीन का गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। रिपोर्ट करें तैमूर खान। धूप और हब्बस में कायम खैमा बस्तियों में रहने वाले सैलाब जदगान खेमे खाली करने पर मजबूर हैं। सख्त मौसमियाती हालात ने सैलाब जदगान को बेहाल कर दिया। खैमा बस्तियों में मौजूद सैलाब मुतासरीन खाना और दीगर सहूलियात ना मिलने पर जलई इंतजामिया पर फट पड़े। क्या कहा सानू खैमा दिता है ने बैठे हैं जी एक पखा है पानी तत्ता है पीण नू खाना मिल नहीं रहा रात नू आ भुइयां सौने हलवा ही है बच्चों को सप सलूंग लड़ जाना कौमां दी तरफ कोई मेहरबानी हो जाए नहीं कोई पानी की सौल हूँ थीड़ी कपड़ा कितने धोइए नाइए धोइए कितने जी तत्ता पानी भी नहीं जड़ा ना मिल रहा है तो बच्चे बेचारे भूखे बाने हाली बैठे और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे बच्चे भूख से रो रहे हैं और हमें कल शाम से कुछ नहीं मिला अब हमारे बच्चों का क्या कसूर है। सैलाब जदगान ने हंगामी बुनियादों पर इमदाद तलब की है। बच्चों की इलाज या मेरे डंगर की इलाज देख लो भूखे डंगर हैं दो काल कट्टे डेक मार के भूख हाँ मेरे बच्चे ना मेरे को मेरी वालदा मेरे नाल है मेरा वाले साहब है तंबू की है कई चीज नहीं मिल रही ना रोटी ना चाह ना ते गवर्नमेंट भी कुछ ही नहीं सके उन्हें वंदा आ रहा अज बता रहे वो ये नहीं आ रहे सुबह संगते उन्होंने दिखी जाते सू कल पिछा सन टुकड़ दी पता चार दिन के पिछले सन टुकड़ी नहीं की नामुनासब पनाहगाहों और बढ़ती हुई भूख के बाइस बेघर हो जाने वाले सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तैमूर खान, आज न्यूज़, पाकपतन।